जिलन क्रिएशन की नई राजस्थानी फिल्म टांको भिड़ गयो आगामी 30 मई को पूरे प्रदेश में 75 से भी अधिक सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज की जाएगी। जोधपुर में फिल्म के निर्देशक निशांत भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता में बताया कि टांको भिड़ गयो एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। उन्होंने बताया कि ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जहाँ परिवार के बुजुर्ग लोग अपनी मर्जी से ही युवाओं के लिए फैसले ले लेते हैं, तो वहीं युवाओं को अपने दम पर फैसले लेने की चाहत होती है। उन्होंने बताया कि फिल्म में मुख्य रूप से सचिन चौबे, शांतनु सुरोलिया, नैन्सी जोहल, यूसुफ खुर्रम सहित कई कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। भारद्वाज ने बताया कि करीब 2 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की शूटिंग शिमला, कुल्लू, चंडीगढ़, पुष्कर और जयपुर में की गई है। अब फिल्म जो है पूरी तरीके से फैमिली कॉमेडी है, यू सर्टिफिकेट फिल्म है और परिवार रे बीच, जनरेशन गैप रे बीच संबंध में जो कन्फ्यूजन है वन रे ऊपर आधारित है कि यंग जनरेशन और इल्डरली जनरेशन रे बीच वन डी जिंदगी रे बारे में फैसलो लेने में कहीं कन्फ्यूजन है। यंग सोचे कि भाई मैं तो समझदार हूँ, आपकी जिंदगी रो फैसलो खुद ले सका, और बुजुर्ग आ सोचे कि हाँ टावरन कहीं नो ले जाए। तो फिल्म मैसेज भी देवे कि फिल्म जब बाहर आओ तो थाना बात रो पतो चले कि आपस में एक दूसरे की जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला ले तो परिवार में सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। उपासना सिंह जी इसमें काम कर रहे हैं, सचिन चौबे, ठीक है, शांतनु सुरोलिया एंड नैन्सी जौहल, ठीक है, और साथ में जरनैल सिंह जैली, ठीक है, ये हमारे मेन आर्टिस्ट हैं। और इसके अलावा देवेंद्र भगत जो बॉम्बे से हैं और यूसुफ खुर्रम जो जयपुर से हैं, ये मेन आर्टिस्ट हैं। राजस्थानी फिल्म टांको भिड़ गयो में अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली नैन्सी जौहल और अभिनेता सचिन हमारे साथ आई, उनसे जानते हैं कि इस फिल्म में आखिर उन्हें क्या खासियत लगी और किस तरह उनको इस फिल्म से उम्मीद है। जी बताएं कि इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, क्या आपको लगता है इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया कोई राजस्थानी फिल्म आई नहीं है अच्छी जिससे कि लोग कनेक्ट हो सकें, तो ये हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, एक ऐसी फिल्म बनाएं जिससे सभी लोग यू नो जल्दी कनेक्ट हो सकें। तो आम घर घर की कहानी है जो आजकल चलता आ रहा है, जैसे हमारे डायरेक्टर ने बताया कि कैसे आजकल जनरेशन गैप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, काफ़ी डिफरेंट है और मुझे लगता है कि हमारी फिल्म ज़रूर चलेगी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। हिंदी फिल्म का दौर है, हिंदी फिल्म से अब राजस्थानी फिल्म में राजस्थानी बोलना कितना आपको चुनौतीपूर्ण लगा, क्या लगा? मुझे खास चुनौतीपूर्ण नहीं लगा क्योंकि मैं बीकानेर से ही हूँ, मेरी स्कूलिंग बीकानेर से हुई है, मेरा जन्म बीकानेर में हुआ है, काफ़ी टाइम से बॉम्बे में हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी अपनी भाषा से दूर हो गई थी, लेकिन जब एक बार स्क्रिप्ट को गो थ्रू किया, हमने वर्कशॉप की, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। सचिन जी, आप बताएं कि आप युवा कलाकार हैं, राजस्थानी फिल्मों का अब तक भविष्य उज्ज्वल नहीं माना जाता, क्या मानते हैं आप, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो काफ़ी हैं राजस्थानी फिल्म से, क्योंकि जिस तरह से अभी 6-7 साल हो गए हैं राजस्थानी का स्तर बड़ा डाउन चल रहा है, तो उस हिसाब से जो हमारी फिल्म है हमने बड़ी बड़ी मेहनत के साथ, काफ़ी अच्छे बजट के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ जो कंटेंट तैयार किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं जो राजस्थानी सिनेमा खोया हुआ है उसको एक दूसरे स्तर पर लेकर जाएगी। आपने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, राजस्थानी फिल्मों में, तो क्या आपको फ़र्क लगता है बेसिकली इन दोनों? देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए तो अलग अलग तरीके से काम करना बहुत ही अच्छा है और ऐसा कोई ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं आया ना, कि क्योंकि हमने जो राजस्थानी फिल्म की है वो बॉलीवुड लेवल में ही तैयार की है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। हाँ, थोड़ा भाषा का वो रहता है कि एक रीजनल की अलग भाषा हो जाती है, लेकिन एक आर्टिस्ट हर तरह की भाषा को अच्छी तरह से निभा सकता है और अच्छा काम कर सकता है उसमें। तो ये थे फिल्म के दोनों कलाकार जिनका यह मानना है कि इस फिल्म के बाद राजस्थानी फिल्म का भविष्य उज्ज्वल होगा और एक नए आयाम स्थापित होंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिव प्रकाशपुर।